चल, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया था और केवल कूलम्स लॉ बताया था और कुछ नहीं बताया था, हाँ और एक क्वेश्चन सिर्फ कूलम्स लॉ पे किए थे। तो आज हम लोग थोड़ा कूलम्स लॉ की प्रैक्टिस भी करेंगे। ग्रुप में देखा होगा आपने, तो मैंने कूलम्स लॉ का एक असाइनमेंट भी दे दिया है, 30-35 क्वेश्चन का है। ठीक है, देखा क्या कि नहीं देखा? कुछ देखते हो होमवर्क? हाँ सर देखा। देखा ना? हाँ, तो वो कर लीजिएगा, वो आज ही दिया है तो उसको डिस्कस नहीं करते, बट थोड़े कूलम्स लॉ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ के पहले प्रैक्टिस करेंगे ऑलमोस्ट 1 आवर, उसके बाद सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कोशिश करो। क्वेश्चन विजिबल है सबको? थोड़ा सा फॉन्ट इसका अलग है तो हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो तो बताओ। 1 मीटर है ये, 10 ग्राम वेट है, ये 0.1 मीटर है। कोशिश कीजिए, जरा जल्दबाजी नहीं करो, गलत हो सकते हैं, सोच के थोड़ा।
आया कुछ आंसर? बोलो। 2.04 इंटू 10^-6 कूलम। और कोई? और कोई? अच्छा, ठीक है, चलो। एज अ हिंट मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट एज अ हिंट। जरूरत नहीं है वैसे क्वेश्चन में, लेकिन पता चल जाएगा उससे कि आपकी गलती कहाँ हो गई। डायग्राम दिख रहा है? यस। अब कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सॉल्व नहीं है। एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि डायग्राम विजुअलाइज करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक बार देखिए। और
बोलो अब आया आंसर। चलो मैं ही बता देता हूं। चलो जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे होगे कि एक ऑब्जेक्ट पर इस तरह के दो फोर्सेस लग रहे हैं, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आई मीन रिपल्सन, एक ये और दूसरा ये, आया ना? इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है यस सर। तो देखो यस सर। हाँ, एक एक पॉइंट चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टी इधर है ना, ये एंगल अगर थीटा है, ये फाई लिखा है तो चलो फाई है, तो ये भी फाई होगा। इसका ये वाला कंपोनेंट टी कॉस फाई होगा जो कि इसके वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा ये जो टी वाला कंपोनेंट है टी साइन फाई, ये किसको बैलेंस करेगा? ये इस F1 F2 के रिजल्टेंट को करेगा। ऐसे विजुलाइज करो कि ये F1 F2 तो हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो इसका रिजल्टेंट हॉरिजेंटल प्लेन में होगा, तो टी का वो कंपोनेंट जो हॉरिजेंटल प्लेन में है उसको ये एफ बैलेंस करेगा। हाँ सर। अच्छा, अब ज्योमेट्री से ये फाई एंगल निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बना है हाँ सर, थर्टी डिग्री 30 आता है? मैंने नहीं चेक किया है, सही से बताओ। सर 90 है वो, 60 है तो 30। सबको आ रहा 30? ग्रेट, तो मैं मान लेता हूं मैं नहीं चेक करने वाला। तो फाई आ गया 30 डिग्री। दूसरा, ये सब 0.1 मीटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, है ना? यस तो दो वेक्टर अगर 60 पर है तो उसका रिजल्टेंट F√3 होगा। सर। हाँ सर। तो ये F√3 हो जाएगा। F की वैल्यू निकालनी बाकी है, इस सबको F कह देते हैं हम। तो अपनी भाषा में मैं ऐसे लिख दूं, तो यहां निकालना क्या अपने को, चार्ज ना? हाँ, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, फाइनली मेरे पास हो गया टी कॉस फाइ इज mg एंड टी साइन फाइ इज F√3। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को एफ मिल जाएगा। सो टेन फाइव इज इक्वल टू F√3 अपॉन mg। सो फाइनली एफ इज इक्वल टू mg अपॉन √3 इंटू टेन 30। तो ये mg/3 होगा। यस। अच्छा, अब इस एफ को मैं लिखूंगा K³² अपॉन L² जो ट्रायंगल का साइड लेंथ है। 0.1। तो देखो इसको सॉल्व करके क्यू क्या मिलता है, करोगे या मैं करूं? बोलो। लो मैं कर देता हूं। क्यू मिल जाएगा एल बाहर √mg/3K। अब बोलो एल कितना दिया है? 0.1। 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर, तो 0.1। मास कितना दिया? मास 10 ग्राम है सर। 10 ग्राम। तो 10 × 10⁻³ इंटू जी का 10³, के को लिख देंगे 10⁹ इंटू 10⁹, है ना? तो
तो एक बार देख लो, 10^-3 में से ये गया तो -1 बच गया ऊपर, ये ऊपर गया तो -10, रूट के बाहर ले लेंगे तो -5, ये 0.1 ले लेंगे तो 10^-6, और √9 का 3 और 3√3 ऐसा कुछ है ना? Yes. तो ये कितना आएगा? सर एकदम अप्रोक्सीमेटली 2×10⁻¹. 1.9×10⁻¹. यार आंसर तो 6.2×10⁻¹ दिया हुआ है जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, वो सही है गलत है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से हमने एंगल गलत दिया। तो एंगल मैंने फाइव चेक करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा था इसीलिए, आप लोगों ने कहा था कॉन्फिडेंटली, इसलिए मैं छोड़ दिया। चलो मैं चेक करता हूँ। ओह माय गॉड, ऐसा। चलो देखो फिर मैं एंगल चेक कर लेता हूँ। एंगल कैसे चेक करेंगे? तो देखो सुनो सब, अब चुपचाप सुनो। मुझे लगा तुम लोगों ने चेक कर लिया इसलिए मैंने नहीं किया। एक मिनट, ये हुआ OM वाला लाइन, उस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। ये हुआ OM वाला लाइन, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको। ये हो गया MQ वाला लाइन, MA वाला लाइन, मैंने इसको सीधा कर दिया है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और ये हो गया ओ ए वाला लाइन, यही एंगल फाई है आपका। यस। अच्छा, एम ए मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ एल ले लो अगर, तो ये एंगल बाइसेक्टर कितना होगा? और ये 1 meter है, 10/√3। एक सेकेंड बेटा, ये 1 meter अगर मिल गया और ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला जो लाइन है इस ट्रायंगल में, ये 1 meter है, तो एम ए ये डिस्टेंस मिल गया तो फाइ मिल जाएगा। अब एम ए के लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखोगे, ये डिस्टेंस x बोलोगे, तो देखना मैं जो लिखता हूं, 2x cos 30 इज l विच इज 0.1। समझा कैसे? तो x√3 इज 0.1, सो x इज 0.1/√3। होगा ऐसा? होगा? Yes. तो इस ट्रायंगल में बता दो sin 5 P/h, sin 5 दिख रहा है? sin 5 कितना होगा? 0.1/√3। तो tan phi कितना होगा? ये p by h है, वो b by h होता है, तो अपने को cos phi चाहिए। नहीं बेटा, tan चाहिए। p by ना नीचे tan का रेशियो। 1/√300। अच्छा हाँ हाँ अच्छा। समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ tan phi बोलो। So 1/√299। ऑलमोस्ट यही होगा, मेरे कहने का ये मतलब है। हाँ सर ऑलमोस्ट। हाँ सर ऑलमोस्ट। सो ऑलमोस्ट 1/10√3 ही होगा, ठीक है? तो tan phi को अब रख दो, बाकी मेथड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अब tan phi की जगह mg tan phi लिख देता हूँ मैं, और यहां पर mg
अपॉन रूट थ्री इंटू वन अपॉन टेन रूट थ्री ऐसा। सो एम जी अपॉन 30 लिख देता हूं। चलो कम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसा होगा। यस, तो थ्री की जगह 30 होगा, थ्री की जगह 30 होगा, थ्री की जगह 30 होगा, होगा। सो 100 अपॉन 3√30 इंटू 10⁻¹ कूलम। देखो तो एक बार क्या आता है, 6 point something जो बोला था मैं, आंसर है क्या 6.2 10⁻¹ कोई डाउट किसी को? लिख लो। तुम लोग SHM पढ़े हो क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। 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 आगे बढ़े। Answer. आगे बढ़ो। एक और कीजिए।
इसको कोशिश करो।
आया कुछ? आया कुछ सर? के क्यू क्यू नॉट अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। शायद सही, फिर से बोलो। सबको आया या बताने की जरूरत है? ठीक है, चलो। ये तो फील हो रहा है ना कि अगर इस रिंग पर चार्ज है, इसके सेंटर पर कोई चार्ज डाल देंगे तो इन सब पर ये आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ये फील तो हो रहा है ना? हाँ सर। अगर ये सेंटर पर चार्ज क्यों नहीं रखेंगे तो रिलैक्स रहेगा, सेंटर पर चार्ज क्यों रखेंगे तो क्या होगा, सब पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो ये रिंग एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा जो कि नहीं होगा, तो इसमें एक स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में भी मैंने कराया होगा ऐसा कुछ। मान लो स्ट्रिंग है, उसको रोटेट किया तो बोला होगा उसके अंदर कितना टेंशन डेवलप हो गया, याद है? चलो देखो, ये छोटा सा सेगमेंट है, आपको देखने के लिए मैंने बड़ा ले लिया, समझ लीजिए ये जस्ट एक पॉइंट है। तो केवल ये एक पॉइंट को अगर हम ले लें तो इस ब्लू वाला चार्ज और ये चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर होगा। हाँ सर। और स्ट्रिंग अगर स्ट्रेच हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो ये एंगल मान लो डी थीटा है, तो ये डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू, समझ आ रहा है? ये डी थीटा बाई टू, तो टेंशन का कॉस डी थीटा बाई टू वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यस। और साइन वाला ऐड हो जाएगा, और ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस करेगा। सो टू टी साइन ऑफ डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एफ। इसको लिख दूंगा टू टी डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लिखेंगे दैट इज के क्यू नॉट, डी क्यू को लिख देंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो देखो ये टू, ये टू, ये डी थीटा, ये डी थीटा गया, तो टी मुझे मिल जाएगा के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर, दैट इज के क्यू नॉट। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन टू पाई आर।
यस सर। तो ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करो। अभी जो ट्रायंगल वाला कराया था ना कि तीन सिल्क थ्रेड से तीन बॉल हैं, याद है ना पहला वाला क्वेश्चन? यस। वैसा ही एक क्वेश्चन और करो। ये उससे आसान है क्योंकि इसमें तीन की जगह चार है और ये स्क्वायर बनाता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री आसान है बट क्वेश्चन सिमिलर है। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर किसी को? बोलो एक मिनट। बोलो आया कुछ?
फिर एम जी आर क्यूब बाय फोर के एच ये आंसर है। देखो तो आया है ये आंसर। यस सर। वेरी गुड। किसको आया? सर अमोल। बाकी किसी को आया क्या? नहीं। चलो देखो, फोर स्मॉल पार्टिकल चार्ज्ड विद इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, ईच आर अरेंज्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर साइड ए, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मास एम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी एट अ हाइट एच अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, what should be the magnitude of charge capital Q in order that the unit charge remain in equilibrium? इसका मतलब ये हुआ ऐसा समझ लो यहां पर यूनिट चार्ज है ना, तो ये सारे चार्जेज इस पर फोर्स लगाएंगे इधर, yes, ये भी लगाएगा किधर, तो इधर की ओर, इसी तरह ये भी लगाएगा है ना, इसी तरह ये भी लगाएगा और इसी तरह ये भी लगाएगा। ये सारे फोर्सेस मिलके इसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे, यही कहानी होगी ना। लेकिन इसलिए बार बार वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ाता हूँ, उससे आसानी होगी। ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, उससे आसानी होगी। तो ये सारे फोर्स एफ मिलकर इसके वेट एम जी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर मिल जाए इस चारों फोर्स का रिजल्टेंट तो हमारा काम चलेगा। इधर देखो, ये जितने भी हैं सब राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसमें से क्या क्या दिया हुआ है बता दो यार। हाइट एच दिया है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ज्योमेट्री में ये हाइट मेरा एच है, और क्या क्या दिया है? साइड लेंथ ए। साइड लेंथ ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ए बाय रूट टू। ए बाय रूट टू, तो ये ए बाय रूट टू, ये एच, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बाय टू प्लस एच स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। तो ये जितने फोर्सेस हैं इन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड के क्यू, वो तो यूनिट चार्ज है, तो वन अपॉन ए स्क्वायर बाय टू प्लस एच स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। तो कॉमन सेंस से देखो, सुनना ध्यान से, ये एंगल मैं केवल एक ट्रायंगल बनाता हूं, सब नहीं, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि सब बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी।
तो मेरा फोर्स एफ इधर होगा, ये एंगल थीटा है, अगर ये एच है और ये ए बाय रूट टू है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो एफ का ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इधर होगा और एफ साइन थीटा इधर होगा। तो ये चारों का एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और चारों का एफ कॉस थीटा ऐड होगा, होगा। सो फोर एफ कॉस थीटा, ये इसके वेट mg को बैलेंस करेगा। सो फोर एफ की जगह लिखेंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाय टू प्लस एच स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बी बाई एच, दैट इज एच अपॉन दिस मच। तो यहाँ एच कर देते हैं और यहाँ पार थ्री बाई टू कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू एम जी। क्या ढूंढना था मुझे, क्यू शायद ना, तो यहां से आपको क्यू दिख रहा होगा एम जी अपॉन फोर के एच मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर बाई टू प्लस एच स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू। यही कुछ आंसर लिखा था ऊपर, नहीं सर, वो फोर के डिनोमिनेटर में आएगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा फोर के, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं सर, मुझे भी एक्चुअली यही आंसर आ रहा था। हाँ सर यही है। ओ भाई साहब सब के बाई टू एच एच ऐसा ऐसा। तो एक बार ए स्क्वायर बाई टू वहां भी है, तो ठीक है शायद यही आंसर होगा, वो रॉन्ग दिया है ऊपर। ठीक है देख लो एक बार मैथमेटिकली कहीं, मतलब राइट लेफ्ट लिखने में अगर कुछ गलती नहीं किया है तो यही आंसर है। वैसे भी Q और K कभी एक साइड नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसको छोड़ दो। ये जो आंसर हम लोगों ने लिखा है वो सही है। आगे बढ़ूं? यस। एक क्वेश्चन करो, पहले ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन इरोडोव में दिया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ देखने में लगेगा कि इजी है, आंसर आएगा, बट ये इजी है नहीं, फिर भी एक बार कोशिश तो करो। इजी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज इजी है, सब कुछ आपको आता है, देखते हैं आंसर ला पाते हैं कि नहीं। क्या कूलम्स लॉ के बेसिक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस में नहीं करा रहा, वो सब ग्रेविटेशन में कर चुके हैं, थोड़े बहुत जो ठीक ठाक वाले लेवल है वही करा रहा हूँ। ठीक है yes. तो वो बेसिक क्वेश्चंस कूलम्स लॉ के तुम लोग वो जो मैंने असाइनमेंट दिया है 30 क्वेश्चन का, उसमें बहुत मिलेंगे, वो सब कर लोगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है उसमें होगी। ये थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन करो, आपके लिए मुझे याद नहीं है 3 पॉइंट कुछ है इसका, 101 या 182 कुछ तो है, ये इरोडोव का क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन है और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मोस्टली लोग कहते हैं इरोडोव में गलत नहीं है कुछ, तो गलत तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा देखेंगे, पहले ट्राई करो फिर बताता हूं मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं इसे।
आया कुछ? एक मिनट, so 3mg by 4k lq into ax square by root h. अपना माइक ऑफ. मैंने कहा आंसर में तो x से इंडिपेंडेंट आना चाहिए ना. चलो दो मिनट देखता हूँ.
बोलो कुछ। चलो देखो इधर, ये कोई उतना डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है, समझो ये दो इक्वली चार्ज स्फीयर है तो इन दोनों के बीच रिपल्सन इधर लग रहा होगा, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो किसी इंस्टेंट पर जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा, है ना। और ये होगा टी साइन थीटा, है ऐसा। yes. तो जैसे जैसे चार्ज लीक करेगा तो ये वाला फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। yes. और इन दोनों के बीच का सेपरेशन फिर डिक्रीज होगा, ठीक है ऐसा। तो किसी भी समय अगर ये एस है, एक काम करते हैं, ये फोर्स एफ, यार रुक जाओ पहले टी और थीटा को हटाएं तो उसके बाद, चलो ऐसा कर देते हैं कि टी कॉस थीटा एम जी होगा। awesome. और टी साइन थीटा एफ होगा, ये टी साइन थीटा हमेशा एफ होगा कि नहीं होगा, बोलो। नहीं कह सकते अभी। हाँ सर अभी नहीं बोल सकते। हाँ सर नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, कह सकते हैं। काइनेमेटिक्स में ये अगर मेरा, ध्यान से देखना सब, ये अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा उसको मैं वी डी वी बाई डी एक्स लिखूंगा। yes, तो देखो v हो गया a बाई रूट एक्स, और dv by dx क्या होगा? सर x का लिमिट्स नहीं करना है क्या? लिमिट की क्या जरूरत है, v x का फंक्शन दिया है, केवल डिफरेंशिएट करके बताओ। सो माइनस a by 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स टू द पावर थ्री, अंडर रूट एक्स टू द पावर थ्री, ठीक है। एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुको, इसको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है इसके एक्सेलरेशन में एक्स का टर्म आ रहा है कि नहीं? और इसके एक्सेलरेशन में एक्स का टर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है ऐसा कुछ मालूम नहीं,
है ना? हाँ सर, एक्स को आता है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी टाइम पर टैन थीटा की वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में ये लिखा है एक्स इज मच लेस देन एल, तो टैन थीटा की वैल्यू मैं एक्स बाई टू एल लिखूंगा, और यही अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा की भी वैल्यू होगी। यस यस, और ये अगर अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा की वैल्यू होगी, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू लगभग वन होगी। Yes. और cos थीटा की वैल्यू लगभग वन होगी, मतलब t की वैल्यू लगभग mg होगी, ऐसे? तो अब इस पर नेट फोर्स देखो, अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूं तो t sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए होगा। वहां भी ए है इसलिए एक्सेलरेशन को एफ लिख देता हूं। चलो ऐसा, सो एम जी एक्स बाई टू एल माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ? यस, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक्सेलरेशन को मैं वी डी वी बाई डी एक्स लिख देता हूं, ठीक है? Yes. तो मास एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स इज एम जी एक्स बाई टू एल माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा? ठीक है। अब ये जो आपका v दे रखा है, v इज इक्वल टू a अपॉन रूट एक्स, ऐसा है? हाँ सर, v इज इक्वल टू a अपॉन रूट एक्स है, तो यहां से dv बाई डी एक्स क्या मिलेगा? माइनस वन बाई टू, ये हो गया a, और नीचे एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, ऐसा कुछ? इसको इधर लिख दो, माइनस ए बाई टू एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिख दोगे, क्या ढूंढना है हम लोगों को? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया m इंटू माइनस वन बाय टू a, नीचे कर लो x टू द पावर थ्री बाय टू, दिस इज इक्वल टू v में एक और बाय वन बाय रूट एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, v में एक और है ना, तो क्या हो जाएगा बता दो? यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। Yes. और वो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एम जी एक्स क्यूब अपॉन के क्यू स्क्वायर टू एल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टू एल। अब ठीक है? Yes.
इसलिए कि ये एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर सके। तो ये एक्स स्क्वायर गया, ये टू भी गया, क्या बोल रहे हो? तो फाइनली ये मेरा कुछ ऐसा होगा माइनस एम ए स्क्वायर एल, दिस इज इक्वल टू एम जी एक्स क्यूब माइनस, ये इतना बड़ा कांस्टेंट के क्यू स्क्वायर टू एल। तो वहां से हम लोगों को x एज अ फंक्शन ऑफ l मिल जाएगा। सिर्फ v को dx by dt करके भी कर सकते। क्या बोल रहे हो? v को dx by dt तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। हाँ हाँ कर सकते हैं। अब या तो मैं यहाँ लिखूं या ऐसे कर दूं, यहीं पर मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो ये हो गया जीरो, ये हो गया एम जी, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया माइनस फोर के एल क्यू डी क्यू बाई डी टी, ऐसा कुछ है ना। डी एक्स बाई डी टी को हम वी लिख सकते हैं, yes, कि माइनस डी एक्स बाई डी टी को वी लिख सकते हैं। सो दिस डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू थ्री एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर के क्यू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा कुछ। देखो कहीं कुछ कोई टर्म छूटा तो नहीं? नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों कहा कि ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है? बुक है तुम लोगों के पास क्या? हाँ सर है। अभी सामने में है? सॉफ्ट कॉपी है सर। कोई भी कॉपी हो, मैं जैसे खाली बता दूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। पूरे इरोडोब में सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मतलब जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो लाया जा सकता है, लेकिन मैं कभी भी वो लाने के चक्कर में नहीं रहता हूं। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोवर्सी आपको दिख जाएगी। अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3.3 मिला क्या किसी एक आदमी को? देखो मिला। हाँ सर मिला। जब तो आप इसके आंसर में जाओगे तो जो आंसर दिया हुआ है, मैं पहले एक बार ये लिख देता हूं, जो आंसर दिया हुआ है वो है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू थ्री बाई टू ए अंडर रूट टू पाई एप्सिलन नॉट एम जी बाई एल, टू पाई एप्सिलन नॉट एम जी अपॉन एल। ये आंसर बुक में दिया हुआ है, yes. और ये आंसर हमें आ रहा है।
अच्छा और I mean, 2 pi epsilon naught को k के टर्म में कर सकते हो ना, k is 1/4 pi epsilon naught, तो जो 2 pi epsilon naught है ये k by 2 है actually, हाँ सर सुनिए, तो हमारे भाषा में ये आंसर कितना होना चाहिए था, ऐसा कुछ 3a/2 या 3/2a है, अच्छा ऐसा है शायद, सर ए तो ऊपर ही रहेगा, हाँ 3a/2 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, kmg/2 K तो 1/4 pi epsilon naught होता है ना बेटा, सर 2/k लिख सकते, 2/k नहीं, हाँ ये 2/k ऐसा, सो 2mgL/k ऐसा, हाँ या नीचे 2k, नीचे 2k होगा सर, नीचे 2 होगा, हाँ नीचे 2k होगा ऐसा, तो mgL/2k ये आंसर दिया हुआ है बुक में। अब बताओ हम लोगों को ये आंसर तो कहीं आ नहीं रहा है, है ना? Yes, तो मैंने जानबूझ के लास्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको दिया है कि एक बार इसको सोचो तुम लोग, ठीक है, कोई कहीं किसी बुक से हिंट नहीं लेना, जो हम लोगों ने सॉल्व किया है इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी फैक्ट है, लेकिन जो इरोडोम में आंसर दिया है वो ये है, और इरोडोम में मोस्टली गलत नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या एक हिडन एजम्पशन लें कि ये आंसर आ जाए, कोशिश करोगे तुम लोग घर में, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये कोशिश अभी नहीं बताऊंगा, कोशिश करो तुम लोग इसको, ठीक है, तो ज्यादा होमवर्क नहीं है, बाकी तो इजी क्वेश्चन मैंने दिया ही है, इस पर जरा सोचना, और ये भी मैंने सॉल्व कर ही दिया है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व किया है इसको, बट थोड़ा सा आखिर मैंने आपको ये देखने में लग रहा है कि कहीं ये सॉल्व करने में कोई गलती तो नहीं दिख रही है, तो गलती दिख नहीं रही है और आंसर भी नहीं आ रहा है, तो एक बार तुम लोग इसको सोचो, ठीक है, ओके ओके, और मुझे अगले अगले लेक्चर में भूल भी जाओ तो बताना मुझे इसको, बट मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं ही बता दूं सॉल्व कर दूं कुछ नहीं, ब्यूटी इसकी तभी समझ आएगी जब तुम एक बार फाइट मार के देखोगे, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर।